नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि इस समय कश्मीर को देश या यूँ कहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया है। वहाँ पूरी तरह से प्रतिबंध है, हर तरफ से किसी भी तरह की आवाज़ को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। इस प्रतिबंध के खिलाफ कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन ने एक बहुत साहसिक ऐतिहासिक पहल की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मीडिया पे जो प्रतिबंध लगा है वह सही नहीं है, यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अब देखिए चीज़ें कैसे बदलती हैं। मीडिया में इसे लेकर बहुत उछलकूद मची, बहुत हंगामा हुआ और सबसे शर्मनाक बात यह हुई कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जी हाँ, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे लोकतंत्र और मीडिया में तमाम तरह के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए था, वह सुप्रीम कोर्ट गया और उसने कहा कि वह इंटरवीन करना चाहता है अनुराधा भसीन की इस पिटीशन पर। वह चाहता है कि जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं वह ज़रूरी हैं और उन्हें कायम रखा जाए। यानी अनुराधा भसीन ने जो पहल की थी मीडिया की स्वतंत्रता को बचाने की, आवाज़ को बचाने की, उसके खिलाफ यह काउंसिल खड़ा हुआ। कुछ राहत की बात यह है कि मीडिया में जो संगठन है, यहाँ तक कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बाकी सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से चेयरमैन ने मूव किया है वह सही नहीं है, वह इसका विरोध करते हैं। मीडिया में इसे लेकर 370 को हटाए जाने, मीडिया पे प्रतिबंध लगाए जाने पे बहुत तगड़ी दरार है, बहुत बड़ा डिवाइड है। यह डिवाइड इस मामले में जिस तरह से सामने आया है उससे पता चलता है कि जो फॉल्ट लाइन है वह कितनी तगड़ी है, और इसे हमने आज नहीं समझा तो शायद कल को लिखने पढ़ने की जो आज़ादी अभी तक हमारे पास है वह सिर्फ कश्मीर ही नहीं पूरे देश में खतरे पर पड़ जाएगी। इसी संदर्भ में हमने बात की कुछ ही दिन पहले जो कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं अनुराधा भसीन, उनसे, उनके इस साहसिक कदम को सलाम करते हुए हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इतने दबाव में उन्होंने यह साहस कैसे उठाया और आखिर वह क्यों सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, क्यों खटखटाया उन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाज़ा। आइए देखते हैं क्या है उनका कहना, किस तरह से वो पूरी हकीकत को देख रही हैं। स्वागत है अनुराधा जी। ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट क्या सोच के आप पहुंचे, किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया कि आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया? देखिए, ऐसा है कि पहले भी जो मीडिया पे कई कर्ब्स लगाए गए हैं, मीडिया ऑपरेट नहीं कर सका कश्मीर की वादी में, जम्मू कश्मीर में सही तरीके से इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो रोक दिया जाता है या रेवेन्यू ब्लॉक कर दिया जाता है, बहुत सारी और फिजिकल इंटिमिडेशन प्रेशर्स रहे, तो कभी हमने इस किस्म का कदम नहीं सोचा। ये एक ऐसा ड्रास्टिक, एक ऐसी सिचुएशन थी कि ये इस कदम लेने पे, एक याचिका दायर करने पे सुप्रीम कोर्ट में ये हम मजबूर हो गए, क्योंकि हर तरह इस किस्म का सन्नाटा मैंने कभी नहीं सुना। पहले इन्फॉर्मेशन ब्लॉकेड होता था, पर अब की सन्नाटा ऐसा था कि आपकी मजॉरिटी पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर की है, अगर 13 मिलियन है तो कम से कम 9 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं, 90 लाख लोग जो हैं, वो कम्प्लीटली इनविजिबल हो गए थे, जैसे एक लोहे की दीवार के पीछे उनको छुपा दिया गया था और उनकी आवाज़ें हम तक नहीं आ रही थी। और मीडिया का काम होता है एक पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में एक चैनल बनने का, एक वाया मीडिया बनने का, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं पब्लिक तक पहुंचाने का और पब्लिक की आवाज़ गवर्नमेंट तक लाने का। तो वो पब्लिक का एक तरह से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, एक वॉइस प्रोवाइड करते हैं, आम आदमी की वॉइस आवाज़ बन जाती है। और जब वो आम आदमी ही बिल्कुल छुपा दिया गया है, हमको रियलिटी नहीं नज़र आ रही है, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें तो वो तो दिल्ली से मिल रही है या जो फॉरेन मीडिया आ रहा है। कश्मीर का जो मीडिया है उसको बिल्कुल ऑपरेट करने नहीं दिया जा रहा। कश्मीर में अखबारें नहीं छप रही हैं, जो एक आध अखबारें छप रही हैं वो किस किस्म की छप रही हैं उसकी भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। तो एक एक, एक जर्नलिज्म जो है वो पूरी तरह से एक स्टैंड स्टिल पे आ गया कश्मीर में, और इस किस्म का ट्रेंड होना, और आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा है कि कश्मीर की सिचुएशन बदतर होती जा रही, कर्व्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जब भी कोई नई चीज़ होती है तो इस किस्म का ट्रेंड आगे
के लिए भी एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है, तो उस वजह से हम सुप्रीम कोर्ट में मैंने ये याचिका कैसे करी जी। सुप्रीम कोर्ट से जो आपने सोचा था वह कुछ मिला आपको? देखिए, अभी कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि उन्होंने, उनकी इंफॉर्मेशन है कि ये रिस्ट्रिक्शंस जल्दी ही हटाई जाएंगी, तो उनका कहना एक थोड़ा सा वेट रखता है। तो अगर रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाती हैं तो मेरा ख्याल है उसका मतलब ये भी है कि कर्ब्स जो मीडिया पे लगाए गए हैं और वो भी शायद हटा दिए जाएंगे, तो उम्मीद कर रहे हैं हम भी देख रहे हैं जी। ये थोड़ा सा बताइएगा कि आप कैसे, जो पूरी हालात हैं कश्मीर के, कश्मीर की वादी के, जम्मू के और लद्दाख के, उसे आप कैसे देख रही हैं, क्योंकि आपका तो बहुत ही गहरा और लंबा ताल्लुक है। देखिए, मैं 30 साल से काम कर रही हूँ और ये पहली बार, और 30 साल से ही कॉन्फ्लिक्ट रहा है जब मैंने काम करना शुरू किया, और कई दौर देखे, उतराव उतार चढ़ाव ये सब देखा, मिलिटेंसी का, कॉन्फ्लिक्ट का, अच्छा टाइम भी आया, बुरा भी आया, और ये एक बहुत अलग सा दौर है। ये इतना अलग भी है और साथ में इस टाइम असेसमेंट मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है। प्रिसाइसली, एक तो नई चीज़ हुई है, एक बहुत अलग से हट के कदम है ये। आम जो ये ह्यूमन राइट्स की बात नहीं है या ये पॉलिटिकल फ्यूचर की बात नहीं है, जो एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिकल शेप थी उसको जो बदल दिया गया है, तो उसके बाद रिएक्शन क्या होगा लोगों का कश्मीर में या जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, ये इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है। मेरी जो असेसमेंट ज़्यादातर ये कश्मीर के बारे में इस वक्त डायरेक्ट नहीं है, पहली बार मुझे कोई इंफॉर्मेशन अपने चैनल्स के ज़रिए नहीं मिल रही है, मैं दिल्ली की अखबारों पर रिलाई कर रही हूँ या फॉरेन मीडिया पे रिलाई कर रही हूँ। जबकि आपके अखबार के, मुझे अपने जो मैंने 30 सालों में काम किया है उससे कुछ अंदाजा लगा सकती हूँ, लेकिन इस वक्त कहना एक बहुत मुश्किल है। लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे, इसकी बहुत, जम्मू कश्मीर एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेट है, उसमें मुख्तलिफ आवाज़ें हैं, उसमें मुख्तलिफ रीजन्स हैं, मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, उस लिहाज से, उनकी हिस्ट्री के लिहाज से, हर रीजन की अपनी हिस्ट्री और हर रीजन की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से, लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी होती थी वो इस स्पेशल स्टेटस के साथ जुड़ी हुई, उसके साथ उनकी आइडेंटिटी का मसला, उनकी अपनी रीजनल आइडेंटिटीज का मसला, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये मुझे लगता है बहुत पेचीदगी होंगी आगे जाए। लेकिन इसको दिखाया जा रहा है कि जैसे वादी अलग है, जम्मू अलग है और लद्दाख अलग है। देखिए, वो तो शुरू से कई सालों से ये पॉलिटिक्स रही है, वादी की और लद्दाख की और जम्मू की रीजनल डिविजन्स रहे हैं और रीजनल आवाज़ें भी डिफरेंट रही, इनको हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। बट विद इन रीजन्स ऑल्सो, विद इन रीजन्स भी आगे और कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उनमें भी मल्टीपल वॉइसेस हैं, वो मल्टीपल वॉइसेस रिकॉग्नाइज नहीं होती, तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगी, आगे जाके क्या होगा, कहीं इसका एक एक कोई कम्युनल बवाल भी उठ सकता है, रीजनल डिविजन्स और बढ़ सकती हैं, ये कहना इस वक्त मुश्किल है, लेकिन पेचीदगियाँ ज़रूर हो। बतौर पत्रकार आप अखबार निकाल रही हैं, लंबे समय से वहाँ हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा क्या अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व हुआ जो पहले नहीं था, एज अ मीडिया पर्सन आपको जो लगता है? देखिए, मीडिया ये एक अनथिंकेबल चीज़ थी, क्योंकि आर्टिकल 370 एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था जम्मू कश्मीर को, बट साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहना है ये एक लिंक भी था, पॉलिटिकल लिंक था जम्मू कश्मीर का और इंडिया के साथ, और इसी एक इसकी बिना पे एक कहीं से जो एक इमोशनल लिंक जो इंडिया के साथ रहती थी वो भी इसी आर्टिकल 370 के ज़रिए थी, कि हम इंडियन हैं लेकिन हम
थोड़ा सा हमारा एक अलग तरह से इलाक हुआ है, ये हमारी हिस्ट्री अलग है या हमारी आइडेंटिटी थोड़ी सी हटके है, तो ये एक माना ये जाता था ये कभी हटेगा नहीं, ये हटा नहीं सकते, या तो एकदम से ये हो जाना, एक बड़े हश-हश मैनर में कर देना उसको, बिना एक पब्लिक के बीच में ले जाए, बिना पब्लिक की राय बिना लिए हुए, तो मेरे ख्याल से ये एक एक, एक चीज़ ऐसी हुई है जो जिससे एकदम से झटका लगा है लोगों को। दूसरी चीज़ ये है कि ना सिर्फ एक स्पेशल स्टेटस ले लिया है, स्टेट को डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, और स्टेट का स्टेट स्टेटस लेकर उसको एक निचले दर्जे पे ले आए हैं, यूनियन टेरिटरी का स्टेटस। तो उससे कहीं डिसअपॉइंटमेंट जो है वो सिर्फ कश्मीर की वादी में नहीं हुई, लद्दाख वाले तो लद्दाख के कुछ एरिया एक ले के डिस्ट्रिक्ट के लोग तो बहुत देर से ये डिमांड कर रहे थे यूनियन टेरिटरी का, बट वहाँ विद इन लद्दाख डिफरेंसेस हैं। जम्मू में भी एक रिजेंटमेंट है कि हमको यूनियन टेरिटरी स्टेटस दे दिया गया है। तो और 370 को लेकर, 370 को लेकर जम्मू में मुख्तलिफ राय भी हैं। एक तरह से नेशनलिस्ट तो वो है, जम्मू में एक ओवरवेलमिंग मजॉरिटी जो है वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट भी है, बीजेपी के साथ भी बहुत सारी एक मजॉरिटी जो है वो बीजेपी के साथ भी है, लेकिन उसके बावजूद एक उनकी अपनी डोगरा आइडेंटिटी भी है, उसमें जम्मू रीजन में और मुख्तलिफ आइडेंटिटीज भी हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन कुछ एरियाज में ज़्यादा अस्करियत में है, और जो उनके जो अपने जाती जो इंटरेस्ट हैं वो सर्व होते हैं एक स्पेशल स्टेटस की वजह से, जिसकी वजह से बाहर के लोग नहीं आ सकते, उनका बिजनेस में थोड़ा मोनोपोली रहता है। ये बिजनेस के बिजनेस हाउसेज फ्रॉम आउटसाइड दे कैन इन्वेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, इट्स नॉट दैट दे कैन नॉट, देर आर लॉज, कानून है जिसके तहत वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है अभी तो, थोड़ा सा वो लीज पे या लैंड ले सकते हैं या पार्टनरशिप में कर सकते हैं, इतनी ओपननेस नहीं है। तो अब जब आप आर्टिकल 370 रिमूव कर देंगे तो वो ओपननेस हो जाएगी, तो जम्मू के जो बिजनेस या पूंजीपति लोग हैं वो इतने वेल ऑफ नहीं है, तो उनका ये डर है कि हम कम्पीट कर पाएंगे बाहर वालों के साथ, वो हम पर हावी हो जाएंगे, तो ये डर है। लैंड यूज़ का है, जॉब्स का है मसला, तो आप अगर देखेंगे इवन बीजेपी की JNK यूनिट ने पिछले हफ्ते ही स्टेज पर निकाला, बोला कि लैंड यूज पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होनी चाहिए। काफ़ी पत्रकारों को उठाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर हिरासत में लोग हैं, जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मतलब कितने लोग गिरफ्तार हैं कुछ पता नहीं, पत्रकार भी जितने उठाए जा रहे हैं। बट ये एक रिपोर्ट में ही मैं पढ़ रही थी, पुलिस वर्जन ही था, पुलिस ऑफिशियल का, कि 1300 शायद लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और या सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो वेल नोन लोग हैं, कश्मीर में उठाए गए ज़्यादातर, बट जम्मू में भी जिसने थोड़ा सा खिलाफ में बोला, जैसे कांग्रेस ने कोई प्रदर्शन किया था तो उनको भी हिरासत में लिया था कुछ एक्टिविस्ट को, कांग्रेस के लीडर्स, पैंथर्स पार्टी के लीडर्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स, इनको हाउस अरेस्ट में रखा गया है जम्मू में। तो जम्मू में जी, और पत्रकार, पत्रकार का एक रिपोर्ट ही मैं पढ़ रही थी, अब किस हद तक वो सही है कि एक पत्रकार को त्राल में पकड़ा गया था, अब ये तो मैं मीडिया रिपोर्ट्स ही पढ़ रही हूँ तो मुझे उससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। आपके अखबार का जो नेटवर्क है वो अभी आज 10-12 दिन हो गए जी, कितना अभी आप संपर्क कर पा रही हैं जो लोग अलग अलग इलाकों में? देखिए, मुझे कल से कुछ थोड़ा सा एक आध इलाकों से कोई व्हाट्सएप वगैरह आने शुरू हुए, बट क्लियर नहीं है लाइन, जब फ़ोन करें तो बात नहीं होती है। एक पुंछ के कॉरेस्पॉन्डेंट से बात हुई थी कल, तो बट वो भी कहीं मेरे ख्याल से आर्मी के जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ से फ़ोन कर रहे थे। आज कोई श्रीनगर से कोशिश कर रहा था एक दो कॉल्स, बट थ्रू नहीं हुई।
तो बातचीत नहीं हुई लेकिन रिंग्स सुनाई दी हैं, तो रिंग सुनाई दे रही जी। मीडिया के लिए ये दौर कैसे आप देखती हैं, अगर संक्षेप में मैं आपसे पूछूं कि एज अ मीडिया पर्सन जो अभी हो रहा है और आपका तो खुद ताल्लुक ही वहीं से। देखिए, मेरे ख्याल से ये जो मीडिया, ज़्यादातर जो मीडिया है हमारे देश में, वो स्टैंड नहीं ले रहा है और वो पूरी तरह से एक तरह से झुक गया है, एक तरह से बिल्कुल जो गवर्नमेंट की हाँ में हाँ मिला रहा है, कश्मीर के मुद्दे पर ही नहीं बाकी मुद्दों पर भी। तो ये तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, पत्रकारिता के लिए अच्छी नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि मीडिया का जो रोल है वो तो डेमोक्रेसी के हित में काम करना है, लोकतंत्र के हित में काम करना है। तो आप अकेले आईं वहाँ से निकलकर और आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, आपको लगा नहीं कि बहुत निशाने पर आप आएंगी? और जिस तरह से लोग अभी कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं मीडिया में, ये जो हिम्मत आपकी थी जिसका बहुत एक वाइड सपोर्ट होना चाहिए था हमारे लिहाज से, कैसे आपको लगता है कि लोग उतरे, मीडिया के लोग आपके जो परिचित हैं, नेशनल मीडिया, जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है? इस वक्त मेरे माइंड में ये नहीं है कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सपोर्ट भी मिला, कई लोगों ने बोला बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई लोग, देयर इज लॉट ऑफ सोशल मीडिया पे मैं देखती हूँ ट्रोलिंग है, मैं नज़रअंदाज कर देती हूँ बिकॉज वो बहुत नेगेटिविटी जाता है। मैं आई इसलिए कि हिम्मत मुझे क्या देता है, हिम्मत मुझे हमारा संविधान देता है। मेरा यकीन है संविधान में और डेमोक्रेसी में, अभी तक मेरा पूरा यकीन है। और इसको बचाना, डेमोक्रेसी आज खतरे में है और इसको बचाने के लिए वो हिम्मत मुझे दी।